Assalamu alaikum friends, I am your host Ashi Khan. How are you people doing? Hope you are all happy and healthy in your life. Today we are going to learn last tense of tense series. So I am very excited that finally we are going to learn future perfect continuous tense. As I have told you that there are total 12 tenses and we have learned 11 tenses already. So let's start it. Future perfect continuous tense. Identification ya pehchan. In Urdu and Hindi, these sentences ended with words raha hoga, rahi hogi, rahe honge. So what is the difference between future continuous tense and future perfect continuous tense? As they both are ended with same words. So friends, difference is that future perfect continuous tense sentences have a specific time frame in them. For example, वो सुबह से आम खा रही होगी. Here, they have mentioned the time सुबह से. She will have been eating mango since morning. If we talk about future continuous tense, then this sentence is like वो आम खा रही होगी. यहाँ कुछ mention नहीं है कि वो कब से खा रही होगी. So she will be eating mango. Just eating mango, no time frame. So I guess it's clear now. Next, formula. किसका formula क्या है? Future perfect continuous tense का formula है subject plus will plus have plus been plus verb first form and ing उसके साथ add करेंगे plus object in addition with since or for. Since या for में से कोई एक लगेगा. Now students often get confused in where we have to use since and where for. Let me explain you. Since is used in sentences where there is a specific time frame mentioned, like since yesterday, since last 2 hours, since 2020. Where on the other hand, we use for in sentences where there is time mentioned in sentence but has no limits or not a specific time. Yani, एक ऐसे जुमले में वक्त तो मौजूद है लेकिन हम ये नहीं जान सकते कि कौन से वक्त की बात हो रही है. लाइक फॉर 2 ईयर्स. नाउ हियर वी डोंट नो विच 2 ईयर्स. यानी हमें ये नहीं पता कि कौन से 2 साल की बात कर रहे हैं. लाइक अगर हम एग्जांपल लें, ही विल हैव बिन राइटिंग बुक्स फॉर 2 ईयर्स. वो 2 सालों से किताबें लिख रहा है. हमें ये नहीं पता ये कौन से 2 सालों की बात हो रही है. ये 2020 तक की बात हो रही है या उससे पहले की बात हो रही है या 10 साल पहले के 2 सालों की बात हो रही है. तो यहाँ हम फोर यूज़ करेंगे. किस किस तरीके से फोर हम यूज़ कर सकते हैं? लाइक फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 6 डेज, इस तरीके से. सो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस सम सेंटेंसेस. तो पहले हम उर्दू में जुमले पढ़ेंगे फिर इंग्लिश में ताकि अच्छी तरह समझ सकें. फर्स्ट सेंटेंस, वो कल से गाना गा रहा होगा. He will have been singing the song since yesterday. एक चीज़ यहाँ पे कि यहाँ हम चीज़ों को इमेजिन करते हैं. जैसे हम कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में भी हम चीज़ें इमेजिन करते थे, यहाँ भी हम चीज़ें इमेजिन करते हैं. हमें कंफर्म नहीं होता, हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये काम हो रहा होगा, कोई कर रहा होगा. वो कल से गाना गा रहा होगा. He will have been singing the song since yesterday. अब यहाँ भी देख लें कि जब कल की बात होगी तो हम यही इमेजिन करते हैं कि ये रिसेंटली गुजरे हुए कल की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ हम सिंस यूज़ करेंगे. इसका नेगेटिव होगा, वो कल से गाना नहीं गा रहा होगा. He will not have been singing the song since yesterday. अब यहाँ स्टूडेंट एक गलती करते हैं कि वो नॉट, तो हमें पता है कि हम नेगेटिव बनाने के लिए नॉट यूज़ करते हैं, लेकिन वो नॉट को गलत पोजीशन पे लिख लेते हैं. नॉट विल और हैव के दरमियान आएगा, ही विल नॉट हैव. लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, वो विल हैव के बाद नॉट लिख देते हैं. वो समझते हैं विल और हैव दोनों को एक साथ लिखना है, वो कनेक्टेड वर्ड्स हैं, उनको अलग नहीं करना. नहीं, ऐसा नहीं है. ही विल नॉट हैव होगा, ही विल हैव नॉट विन नहीं होगा. राइट, तो इस चीज़ में आपने बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है. इंटरोगेटिव और क्वेश्चन फॉर्म यानी सवालिया जुमले में तब्दील करते हैं. क्या वो कल से गाना गा रहा होगा? विल ही हैव बीन सिंगिंग द सॉन्ग सिंस यस्टरडे. द नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस इज, असलम सुबह से खत लिख रहा होगा. असलम विल हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग.
नेगेटिव, असलम सुबह से खत नहीं लिख रहा होगा। असलम विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग। अच्छा, यहाँ एक चीज़ नोट करने वाली है कि ये जो बी डबल ई एन है, इसकी प्रोनंसिएशन बिन होगी। बहुत से स्टूडेंट इसे बीन पढ़ते हैं, ये बीन नहीं होगा, इसकी प्रोनंसिएशन बिन होगी, बी आई एन, बिन वाली बिन, ये प्रोनंसिएशन इसकी होगी। लिखने में इसमें डबल ई आएगा, लेकिन पढ़ने में इसमें शॉर्ट साउंड होगी। सो इंटरोगेटिव, क्या असलम सुबह से खत लिख रहा होगा? विल असलम हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग? मैं 5 घंटे से काम कर रही होंगी, थर्ड सेंटेंस। अब हमें यहाँ ये नहीं पता ये कौन से 5 घंटे हैं, सुबह के हैं, शाम के हैं, कल के हैं, पिछले साल की बात है, तो हम यहाँ 4 यूज़ करेंगे। आई विल हैव बिन वर्किंग फॉर 5 आवर्स। मैं 5 घंटे से काम नहीं कर रही होंगी। आई विल नॉट हैव बिन वर्किंग फॉर 5 आवर्स। क्या मैं 5 घंटे से काम कर रही होंगी? विल आई हैव बिन वर्किंग फॉर 5 आवर्स। वो 6 साल से गाड़ी इस्तेमाल कर रही होगी। She will have been using the car for 6 years. वो 6 साल से गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर रही होगी। She will not have been using the car for 6 years. क्या वो 6 साल से गाड़ी इस्तेमाल कर रही होगी? Will she have been using the car for 6 years? So यहाँ आपने ये इस चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा कि will को हम एक स्टार्टर वर्ड के तौर पे या क्वेश्चन वर्ड के तौर पे यूज़ करते हैं। वही will जो कि सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है, उसी विल को हम स्टार्ट में ले आएंगे जब हम उसे क्वेश्चन फॉर्म में यूज़ करेंगे। 5th सेंटेंस, वो शाम से टीवी देख रहे होंगे। दे विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस इवनिंग। यहाँ पे भी कंफर्म है कि आज ही शाम की बात हो रही है, तो शाम से कोई आगे का टाइम है, रात हो गई है या अगला दिन, तो हम किसी को बता रहे हैं कि वो शाम से टीवी देख रहे होंगे। तो वो शाम से टीवी नहीं देख रहे होंगे। They will not have been watching TV since evening. तो यहाँ पे हम since इसीलिए use कर रहे हैं क्योंकि हमें time confirmation है कि ये इसी शाम की बात हो रही है। ठीक है, क्या वो शाम से TV देख रहे होंगे? Question form. Will they have been watching TV since evening? So friends, here is our lecture and I hope you understand future perfect continuous tense. This is so. Do not forget to like, share and subscribe. Also press the bell icon. If there is any confusion, you can ask me in comment section. Thank you friends. Hope we will meet in any other video. Till then, bye bye.